हाई एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में रिएक्टिविटी देख रहे थे। हाइड्राइड्स और हेलोजन के साथ का कम्बिनेशन हम लोग देख चुके थे। आज कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ग्रुप 16 एलिमेंट के, तो उसमें से सबसे पहले ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है डाई ऑक्सीजन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। डाई ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2-6 लेविस स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो 2-4-6, एक और ऑक्सीजन है तो 2-4-6, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दोनों का 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा विथ 2 लोन पेयर्स ऑन ईच ऑक्सीजन। ऐसा बॉन्डिंग कंसेप्ट भी इसका देख ही चुके हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का या जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे है 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 4, सॉरी यहाँ 2p4 हो जाएगा, तो 1, 2, 3 और 1 ही 4। तो ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में यही बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक और दिखा दो, एक और ऑक्सीजन है तो उसका भी ऐसे ही हो जाएगा और एक यहाँ, तो हेड ऑन हुआ सिग्मा बनेगा और एक यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा पाई बन जाएगा, ऐसा। तो यही बीच में हम लोग डबल बॉन्ड दिखाएंगे, एक सिग्मा एक पाई और ये दोनों लोन पेयर्स बच जाते हैं इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ डाई ऑक्सीजन का नेचुरल एग्जिस्टेंस, प्रिपरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और लास्ट में फिर यूजेज वगैरह को जो है डील करेंगे, पढ़ेंगे। तो नेचर में जो डाई ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वह मेनली है फोटोसिंथेसिस के चलते। प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑलमोस्ट ऑल द डाई ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट ऑल द डाई ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। कि एटमॉस्फेयर में लगभग जितने भी डाई ऑक्सीजन है वो कहाँ से आए हैं, तो पेड़ पौधों के ग्रीन पार्ट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ से। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, जमीन से H2O लिया, प्रेजेंट है सनलाइट और क्लोरोफिल, तो यही मिलकर के आपस में कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं CH2O का होल एक्स प्लस XO2 एंड दिस इज डाई ऑक्सीजन। चूँकि ऑक्सीजन यहाँ CO2 में भी है H2O में भी है, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल में, यह ऑक्सीजन किसका है, तो यह ऑक्सीजन रहता है वाटर मॉलिक्यूल का, ऐसे। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है वह सारा ऑक्सीजन आया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन से। अब जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा डाई ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहेगा, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तब होगा जब ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। तो बोल रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है 23.2% बाई वेट है, 23.2% बाई वेट। तो इसका नेचुरल हुआ ना कि नेचुरली या फोटोसिंथेसिस होता है तो डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। लैब वगैरह में हम लोग डाई ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और भी कोई कॉमर्शियल मेथड, चूँकि डाई ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका यूज़ तो हम लोग देखे ही, खास करके अभी का कोरोना वाला सिचुएशन में कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तो यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन चलाना पड़ रहा था, तो डाई ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस तो हम लोग जानते ही है।
तो लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड, लैब में बनाने के कई तरीके हैं, उसमें से सबसे पहला बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन से। पोटासियम क्लोरेट हुआ 2KClO3, सिंपली इसको आप हीट करोगे मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 420 केल्विन पे, तो बनता है KCl+O2। कॉमन सा मेथड, लैब मेथड, कि पोटासियम क्लोरेट को जब मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सिंपल सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, KCl हटेगा और वहाँ से ऑक्सीजन जो है सो अलग हो जाएगा। अगला इसमें है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन, वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड, वाटर का एक्शन हो सोडियम परऑक्साइड पे, तब तो सोडियम परऑक्साइड मतलब हुआ Na2O2, वाटर से यह कंबाइन करेगा तो बनाता है NaOH और रिलीज होता है यहाँ से O2। तो ये सभी रिएक्शंस एग्जाम में सिंपली कंप्लीट करने आते हैं, या इनडायरेक्टली पूछ देगा ऐसे कि डाइऑक्सीजन बनाने के लैब मेथड्स क्या हैं। तो ये दो हुए, एक पोटासियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हम लोग किससे, वाटर से। उसी प्रकार से कुछ वैसे कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन से भी बनता है डाइऑक्सीजन। तो अगला जो इसमें हो जाएगा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन से, जैसे पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, हीट करोगे तो पोटासियम मैंगनेट में कन्वर्ट होता है, यह MnO2 में बदलेगा, साथ ही साथ यहाँ से डाइऑक्सीजन मिल जाएगा। उसी प्रकार से पोटासियम नाइट्रेट को भी यदि आप हीट करते हो तो यह पोटासियम नाइट्राइट में बदलेगा, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल जाएगा। वैसे ही पोटासियम डाइक्रोमेट है, यदि K2Cr2O7 हीट करते हो तो यहाँ से पोटासियम क्रोमेट प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस 6O2, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल गया। उसी प्रकार से कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स के हीट करने से भी मिलता है, बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स, कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड्स को हीट करने से भी जो है डाइऑक्सीजन बनता है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो यह मर्करी प्लस डाइऑक्सीजन, बेरियम परऑक्साइड को हीट करोगे तो बेरियम ऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन। वैसे ही लेड 4 ऑक्साइड को यदि आप हीट करते हो 2PbO2, तो यहाँ से भी हो जाएगा 2PbO+O2। उसी प्रकार से 2Ag2O इसको भी हीट करोगे तो 4Ag+O2। अच्छा, तो ऐसे कई, तो ये सभी बहुत कॉमन मेथड्स नहीं हुए, चूँकि सब में ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत सारा साइड प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को अलग करना, सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, इन रिएक्शन से डाइऑक्सीजन बनाया जा सकता है, कि ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का आप थर्मल डिकम्पोजिशन करो, हीट करो, उसके बाद कुछ नॉर्मल मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका कैल्सिनेशन करो, डायरेक्ट हीट करो उनको, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन हटेगा और भी मेटल जो है रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन से भी डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है।
तो अगला मेथड इसमें होगा बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, के डिकम्पोजिशन से भी। तो इसके लिए एक सिंपल सा रिएक्शन है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा, इसको मैंगनीज ऑक्साइड के कैटलिस्ट से पास करवाओगे तो यह टूट जाता है H2O प्लस डाइऑक्सीजन गैस में ऐसे। तो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है इन रिएक्शंस का, तो डायरेक्ट रट के रखना होगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट है बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, तो जनरली या एसिडिफाइड होगा या फिर अल्कलाइन होगा, मतलब या तो H प्लस मिला हुआ रहेगा या OH माइनस। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, खुद डिसोसिएट नहीं करता है, इसमें एसिड बेस मिलाओगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता है और डिसोसिएशन बढ़ने से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो मान लो यह वाटर है H2O, एसिड बेस मिला हुआ है और इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, मतलब इससे करंट पास करवा रहे हो, तो एनोड पे एनायन जाएगा, कैथोड पे केटायन, तो यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा कहाँ, एनोड पे। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स थे डाइऑक्सीजन बनाने के, जिसमें से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछता है वह लैब मेथड है पोटासियम क्लोरेट का जो डिकम्पोजिशन से बना वह मेथड। उसके बाद बीच में और भी कई मेथड्स आए, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को हीट करना, कुछ मेटल ऑक्साइड को हीट करना, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन से, और लास्टली या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और जो फर्स्ट मेथड देखे थे लैब मेथड पोटासियम क्लोरेट वाला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग इस डाई ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो डाई ऑक्सीजन जानते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन में एक कलरलेस गैस है, कलरलेस नॉन टॉक्सिक टेस्टलेस गैस, कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है इसका। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, रंगहीन स्वादहीन गंधहीन, ना कोई स्मेल है ना कोई स्वाद है ना ही कोई कलर है। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है वाटर में इसका। डाई ऑक्सीजन का बोल रहा है 3.08 ml वाटर का पर 100 लीटर में डिजॉल्व करता है, देखो कितना कम है, मतलब इसको ml से लिखोगे तो 0.3 ml और इसको क्या लिखोगे आप 10,000 मिलीलीटर, मतलब वाटर का 10,000 मिलीलीटर में मात्र 3 मिलीलीटर के आसपास जो है डाई ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है। रीजन कि डाई ऑक्सीजन जो है एक लेस लिक्विफिएबल गैस है, और इसके बारे में आप हेनरी लॉ में पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। या नॉर्मल कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी है, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, 90 केल्विन यदि टेम्परेचर घटा करके कर दोगे तो यह लिक्विड में बदल जाएगा, और घटाओगे एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। नहीं, नॉर्मल जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, उस टेम्परेचर पे यह गैस है,
लेकिन यदि वह टेम्परेचर आप कर दोगे 90 केल्विन तो वह गैस से बदल जाएगा लिक्विड में, 90 से कर दोगे 55 तो वह फ्रीज कर जाएगा और सॉलिड डाइऑक्सीजन बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90.2 केल्विन। जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है उसके तीन स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, थ्री स्टेबल आइसोटोप्स। कौन कौन हैं? तो O16, O17, O18। इसमें से भी O16 मेजॉरिटी है, O18 और O17 फिर। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि O2 मॉलिक्यूल इज पारामैग्नेटिक, O2 मॉलिक्यूल पारामैग्नेटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि O2 मॉलिक्यूल पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो यहाँ से तो पारामैग्नेटिक पूछेगा, पारामैग्नेटिक कैसे है? तो पारामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई 2px एंटीबॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझे? O2 मॉलिक्यूल पारामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो O2 मॉलिक्यूल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, जो पता चलेगा जब आप O2 मॉलिक्यूल के लिए MO डायग्राम बनाओगे तब। और उस MO डायग्राम के बारे में हम लोग क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, तो अभी डायग्राम तो हम लोग डील नहीं ही करेंगे, लेकिन इस फैक्ट को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है कि O2 मॉलिक्यूल पारामैग्नेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है थोड़ा घुमा करके कि O2 मॉलिक्यूल जो पारामैग्नेटिक है तो इसमें से जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कौन से ऑर्बिटल में हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, एक अनपेयर्ड है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में और दूसरा पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में। अगला एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इसका है कि जो डाइऑक्सीजन है वह खुद नहीं जलता है लेकिन जलने में मदद करता है, खुद जो है कंबस्टाइल नहीं है लेकिन कंबशन को सपोर्ट करता है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलता नहीं है, तो कंबशन में मदद करता है कौन? डाइऑक्सीजन। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए डाइऑक्सीजन के। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग, डाइऑक्सीजन के कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं वे केमिकल प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहला, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बोल रहा है कि डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। जैसे मान लो कि आप सोडियम कोई करवाते हो तो 2Na+O2 या यहाँ आप 4 कर दो तो ये बन जाएगा 2Na2O। कैसे रिएक्शन होता है? सोडियम एक एक्टिव मेटल है जिसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 है। तो यदि ऐसे दो सोडियम एटम हैं तो क्या करता है सोडियम, चूंकि एक एक्टिव मेटल है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को।
तो ये दोनों बन जाएंगे सोडियम आयन और यह बन जाएगा ऑक्साइड आयन, दो माइनस। अब ये सभी आपस में कंबाइन कर गए तो फिर बन जाएगा Na2। तो एक्टिव मेटल्स आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है। रीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसको दो ही चाहिए आठ करने के लिए, तो वह ऑक्साइड बना लेगा और ऑक्साइड और फिर मेटल केटायन आपस में कंबाइन करके उस मेटल का कोई नॉर्मल ऑक्साइड बना लेगा। इसी प्रकार से जैसे आप एल्यूमिनियम लोगे तो 4 aluminium + 3 O2 तो ये बन जाएगा 2 Al2O3। वैसे आयरन के साथ 4 Fe + 3 O2 तो बन जाएगा 2 Fe2O3 ऐसे। तो जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन उतना ही जल्दी कंबाइन करके एक नॉर्मल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। हालांकि आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नेचर पढ़े होंगे इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसमें से कुछ मेटल्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ परऑक्साइड बनाते हैं, तो अब मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड बेसिकली बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें नॉन मेटल्स के साथ, तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, कुछ कुछ स्पेसिफिक नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन उसका भी ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन की ही बात करें, हाई टेम्परेचर 1073 केल्विन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाओगे इस टेम्परेचर पे, तो ये कंबाइन करके बना लेंगे H2O लिक्विड, मतलब वाटर। उसी प्रकार से N2+O2, काफ़ी हीट करोगे तब रिएक्शन होगा और बनेगा 2NO। यहाँ रीजन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों, टूटेगा तब तो जाकर के यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा ऐसे। तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होते हैं। वाइट फास्फोरस काफ़ी तेज़ी से कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ग्रुप 15 में हम लोग पढ़े। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है इस प्रकार से। तो ऐसे कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जिसमें नॉन मेटल डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करके उसका क्या बनाता है, ऑक्साइड्स। मेटल भी ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाएंगे और सभी नॉर्मल। मेटल में बताया कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में वेरिएशन है, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ परऑक्साइड बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में इसको डील किया आप। उसके बाद रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी हैं जिन कंपाउंड्स के साथ डाइऑक्सीजन कंबाइन करता है। चूंकि डाइऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को वह ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कई तरीके से कर सकता है, देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड 4HCl O2 से कंबाइन करवाओगे 700 केल्विन के आसपास कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यह बन जाता है 2Cl2+2H2O। हाइड्रोजन को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्लोरीन का यहाँ -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ 0, यहाँ -2, तो ऑक्सीजन का तो खुद रिडक्शन हो गया और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो HCl काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और O2 का रिडक्शन हुआ तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हम लोग यहाँ ऐसे बोलेंगे कि यह O2 मॉलिक्यूल HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ मेनली। उसी प्रकार से अमोनिया का ऑक्सीडेशन एक बहुत कॉमन है, 4NH3+5O2 प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है, यहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यह बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। अच्छा, अमोनिया में भी इस रिएक्शन को पढ़े थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह कि अमोनिया गैस को जब डाइऑक्सीजन से कंबाइन करवाओगे तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगा, साथ ही साथ यहाँ से क्या निकलता है, H2O निकलता है।
उसी प्रकार से कुछ कॉमन से और हैं, जैसे जिंक का जिंक सल्फाइड, इसका आप रोस्टिंग करोगे यदि ऑक्सीजन के साथ हीट करके, तो यह बदलता है जिंक ऑक्साइड में और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होगा। अच्छा, उसी प्रकार से कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ कम्बशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन का कम्बशन तो होता ही है, जैसे मीथेन लोगे आप, इसका कम्बशन करोगे ऑक्सीजन के साथ तो यह बदलेगा CO2 प्लस 2H2O में। यह सबसे कॉमन है हाइड्रोकार्बन का कम्बशन, जैसे C2H6 तो यह हो जाएगा, इसको आप दिखा सकते हो 7/2H2 या 7/2O2, तो बन जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O। ऐसे साथ ही ऑक्सीजन है, वैसे एसीटाइलिन ले सकते हो 2C2H2 प्लस 5O2, तो बन जाएगा 4CO2 प्लस 2H2O। तो ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये सभी डाइऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉमन प्रोडक्ट देंगे CO2 और H2O, बस रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हुए डाइऑक्सीजन के। अब लास्टली हम लोग डाइऑक्सीजन के यूजेज की बात करें कि डाइऑक्सीजन का क्या यूज है। तो सबसे बड़ा यूज डाइऑक्सीजन का है रिस्पायरेशन में, जो भोजन पचता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, वह रिस्पायरेशन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे होता है रिएक्शन? तो जैसे मान लो आप लेते हो ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है हम लोग जानते हैं, और यह मिला खाने पीने वाला चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज़ खाते हैं तो उससे मिलता है बेसिक सा यूनिट ग्लूकोज। यह ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में H2O में, और बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है 2870 किलो जूल पर मोल। अच्छा, तो खाना खाने से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो तब मिलेगा जब उस खाने का कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है ग्लूकोज वो टूटेगा, और इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है डाइऑक्सीजन। डायरेक्ट ग्लूकोज अपने डिकम्पोज नहीं करेगा, तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी है। नाइट्रोजन, अब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं ऑक्सीजन को कि सांस लेने वही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है ना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, मतलब रिस्पायरेशन को प्रोसीड करता है। ऑक्सीजन के बगैर खाना नहीं पचेगा। उसके बाद बहुत सारे यूज है O2 का रॉकेट फ्यूल के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, कलर फेड करना हो, जैसे नया कपड़ा है उसको लगातार बाहर धूप में रखो एयर के संपर्क में, कलर उसका धीरे धीरे फेड होते जाता है, क्योंकि वह कलर में जो कलर पिगमेंट होते हैं वे ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेते हैं और वहाँ से हट जाते हैं, तो कपड़ा से कलर धीरे धीरे क्या होगा, गायब होते जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में भी ऑक्सीजन का काफ़ी यूज है, और एक तो बताए डाइऑक्सीजन का कॉमन सा यूज इन्हेलेशन, तो इन्हेलेशन से ओवरऑल वही होता है, खाना पचता है, रिस्पायरेशन होता है। तो ऐसे कई यूज हुए इसके। साथ ही साथ डाइऑक्सीजन का जो यूज है ब्रीथिंग के लिए, तो या ब्रीथिंग के लिए इसका यूज हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट डाइऑक्सीजन का यूज, उसके बाद स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर जो लोग जाते हैं गोताखोर जो होते हैं, उसके बाद क्लाइंबर्स या क्लाइंबिंग जब होता है लोग पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं पर्वतारोही लोग, तो वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस का बताएं कि मरीज हो तो हॉस्पिटल में,
लोग समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं स्कूबा डाइविंग, पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं ब्रीथिंग के लिए। क्यों लेकर के जाते हैं सब एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन चैप्टर में, हेनरी लॉ यहाँ एप्लीकेबल है इन सब में। हम लोग यहाँ केवल डायरेक्शन का यूज़ देख रहे थे। तो इस तरह से डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज रिएक्शंस इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, इन सारे फैक्ट्स को जो है हम लोग देख लिए। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।